स्टोन्स हैं, तो वो मुझे ऐसे लगा मैं दिमाग पूरा घूम गया. अब है भी तो इतनी सी पेटीट सी, यू नो. सो माय मदर इन लॉ वाज लाइक, यू डोंट हैव टू इवन गेट अप, सिट देयर, रिलैक्स, गेट रिड ऑफ दिस, डोंट वरी. और फिर गेस्ट कोई बोल रही थी कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा, नो बडी. सो स्वीट ऑफ हर. हालांकि शी हरसेल्फ वाज इन फियर, इतने ज्यादा लोग थे ना, द प्रेशर था, तो शी हरसेल्फ वाज नॉट फीलिंग 100%. शी वाज लाइक कोई जरूरत नहीं उठने की, एंड आई केप्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट वांटिंग टू गेट अप to just greet the guests. Yeah. And by the end of it, I was like, ठीक है से गले से उतारते हैं, because बिल्कुल my nape of my neck was burning. So that's, I think, in intercultural marriages, यही होता है, that you get to find out so much that's happening in another part of the world. Yeah. The cultures are so different. Yeah. तो खैर वो multiple times जब skirt wrap हुआ, I was like, what is this? इनकी मोहब्बत है, मोहब्बत है, you know, everybody from the village was coming. Yes. But this is like, हर कोई skirt लेकर आया, तो ये भी बड़ी interesting चीज़ लग रही है. मेरे पास तो पूरा एक भरी हुई क्लोजेट थी भाई. all नहीं नहीं, वेट इतना मेरे पास नहीं था. तो क्या किया वहाँ पे, जो घर है वहाँ पे मैंने अपना पूरा कबर्ड सेटअप किया, ऑर्गेनाइज करके आई. आई टोल्ड माय मदर इन लॉ दैट दिस इज वेयर आई हैव केप्ट एवरीथिंग, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम रोजाना एक पहनूंगी, रोजाना एक पहनूंगी, रोजाना एक पहनूंगी, एंड आई विल वेयर इट. तो क्या बाकी दुल्हनें रखती हैं और उसको पहनती हैं बाद में? क्या वहाँ पे तो स्कर्ट्स ही पहनते हैं सारे. अच्छा, हमारे यहाँ आई थिंक मैं उसे कैसे कंपेयर करूंगी, यहाँ पे भी आई थिंक कोई तो ऐसा एक पार्ट है ना. कैलाश, हाँ नहीं, कैलाश में स्कर्ट्स होते हैं, मुझे भी याद नहीं है. हमारे अभी कल्चर में है एक पार्ट ऑफ आर कंट्री, सब मुझे भी याद नहीं आ रहा. देखिए एकदम से यादाश्त नहीं, स्कर्ट नहीं, आई थिंक उनकी फ्रॉक्स, फ्रॉक्स टाइप है ना, इधर फ्रॉक और सर पे कुछ पहनते हैं, सर पे कुछ तो उस तरह का कुछ उनका है, पर फ्रॉक नहीं उनका, उनका स्कर्ट है. सो दैट इज, एंड उसको रैप करने का भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, इट इज जस्ट लाइक, इज इट बहुत खुला खुला, इट्स जस्ट लाइक अ प्रॉपर पीस ऑफ क्लॉथ एंड यू हैव टू रैप इट अराउंड योर वेस्ट, एंड आई एम ऑलवेज सो स्कैर्ड कि व्हाट इफ इट ड्रॉप्स, व्हाट इफ इट ड्रॉप्स, एंड माय मदर इन लॉ लाइक जस्ट वेयर अ पेटीकोट इनसाइड. और फिर वो मुझे पहनाने के लिए सिखाती थी कैसे नॉट बनाओ या फिर जस्ट फोल्ड इट, और अदरवाइज यू कैन गेट स्टिच. लेकिन मैं एक लेके आई थी, मैं एक लेके आई थी यहाँ पे कि मैं अम्मी अब्बू को दिखाऊंगी. सो वो कोई डिजाइनर था, वो कहीं किसी जाके किसी मशहूर जगह से लिया, उसका क्या होता है, या वो लोग कहीं से भी लोकल, उस पे कोई काम वाम हुआ था या क्या? मजे का फैब्रिक होता है एंड कुछ काम वाले होते हैं. एज अ ब्राइड आई वोर अ वेरी नाइस डिजाइनर व्हाटएवर, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग. मोजी की कजिन ने बना के दिया था, दैट्स व्हाट आई वोर टू द रिसेप्शन. सो दैट्स द ओनली थिंग यू वोर, या कोई दो तीन फंक्शंस हुए थे उस पे कुछ और? एक ही रिसेप्शन हुई थी उस दिन मैंने वो पहना, एंड अदरवाइज एक दो दिन जब लोग मिलने आ रहे थे तो मैंने, हाँ आई थिंक जस्ट टू इम्प्रेस देम दैट आई कैन आल्सो वेयर अ स्कर्ट पहना था, बट नाउ आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू वेयर इट. और बड़े मजे का ग्रेसफुल लगता है, बिकॉज इट्स अ नाइस लॉन्ग स्कर्ट और छोटी सी आप उस पे शर्ट पहने, ब्लाउज बनवा लें. तो और क्या एक दो रस्में थी जो डिफरेंट वहाँ पे हुई दैट यू कैन शेयर, जो इंटरेस्टिंग थी? बस यही दो थे. लड़कों को आई थिंक तलवार नुमा कोई चीज़ देते हैं, उसको देख के आई वाज लाइक ओके, वेरी ट्रेडिशनल. हाँ ट्रेडिशनल साइक, बहुत अच्छे से पैक करके देते हैं, एंड स्कर्ट एंड द तादुक. उसके अलावा तो ऐसा कोई मैंने कोई रस्म नहीं थी उनकी कुछ, आई डोंट थिंक सो. ये वाली चीज बहुत मैंने देखी कि अब मुझे समझ आ गया कि अच्छा ठीक है, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट. एंड फूड में क्या, दे हैव सम स्पेशलिटी या क्या? आई वाज वेरी इंट्रीग्ड एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग एंड आई डिड नॉट वांट टू लीव द किचन, बिकॉज एक तो वो जैसे हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ज्यादा पका हुआ चावल, तो आई थिंक चाइनीज राइस कहलाएगा वो. उस तरह का राइस खाते हैं जो कि मुझसे नहीं खाया जाए, वो छोटा वाला जो होता है ना, वाइट एंड थोड़ा घुटा हुआ, प्रॉब्ली वाइट का छोटा वाला, जो आई थिंक एग्जैक्टली उसका नाम, मतलब इट्स नॉट वेरी खड़ा खड़ा जैसे बिरयानी के चावल. मुझे बासमती चाहिए था, हाँ. तो मैंने तो फौरन जाके बोला, मैंने कहा प्लीज मेरे लिए बासमती राइस की बोरी मंगवा ले. बहू रानी ने आती सारी डिमांड शुरू कर दी. आती मैं तो ऐसे जाती अपनी चीजें बोली, मेरे लिए इतना अच्छी बात है, यू आर ओनिंग द प्लेस ना, बिकॉज़ यू आर कंफर्टेबल, दैट्स व्हाई. आई वांटेड टू ट्राई देयर फूड एज वेल, और फिर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं खाऊं, पर वो टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था. सो किस किस्म का खाना होता है? तो वैसे होते प्रॉपर थाली होती है, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स. अच्छा, वो वाला चावल होता है जो बिल्कुल ही आई थिंक हम उसको ओवर कुक्ड कह रहे हैं, पर वो उनके लिए प्रॉपरली कुक्ड होता है. एंड देन दाल एंड सब्जी, दाल होती है, सब्जियां, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैम्बू शूट, उनका एक स्टेपल है बैम्बू शूट, वो जरूर खाते हैं. सो यू ट्राइड इट? आई ट्राइड इट एंड आई ट्राइड लाइकिंग इट एज वेल, सो आई विल प्रोबेबली डेवलप अ लाइकिंग फॉर इट. सो क्या वो सालन में बनता है या? हाँ सालन में बनता है, आप उबाल सकते हैं, बहुत ही हेल्दी खाना होता है भाई. आई वाज लाइक नो वंडर योर स्किन इज सो लवली, एवरीबॉडी लुक्स सो नाइस, एंड दैट्स प्रोबेबली बिकॉज दे ईट क्लीन, दे वॉक अ लॉट, एंड अगेन इट्स दैट पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर अप नॉर्थ फिर डाउन हिल आप वॉक कर रहे हैं, ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, खूबसूरत भी बहुत, हसीन जगह ऐसी कि मतलब आप कहें कि वाओ दिस इज गॉर्जियस. लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जो उनके किचन्स द ट्राइबल्स ना, तो वो एक सेटअप ही इतना कि वो मतलब चारों तरफ एक बॉन्ड फायर टाइप होता है. ओके, बीच में लकड़ियां जमा हुई हुई होती है, उसमें बड़ा सा केटल रखा होता है, एंड आई थोड़ी देर तो मैंने सबर किया, आई वाज लाइक ने भी चाय बनेगी, अभी चाय बनेगी, अभी चाय बनेगी, ग्रीन टी ऐसे कुछ पीते हैं.
फिर मैंने जब बहुत देर वो केटल देखी ना, मैंने कहा कब तक उबलेगा तो मैंने लोगों बोले कि ऐसे ही रहेगा, पानी डलता जाता है एंड फिर निकाल के वो आपको ग्रीन टी सर्व करते हैं, छोटे छोटे कप्स में ग्रीन टी एंड देन जस्ट लाइक इट्स एवरीथिंग इज वेरी क्लीन एंड प्योर एंड वेरी क्लोज टू नेचर, वेरी फार फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग और वी आर एक्सपीरियंसिंग इन कराची. हमें वो साफ खाना हजम नहीं होता एंड देन वो नहीं बनाना लीफ के अंदर चावल रैप करके, यू हैड दैट होल एक्सपीरियंस. हां और फिर वो आई थिंक बॉटल के अंदर गार्लिक और जिंजर डाल के उसको दीवार की तरफ मार मार के उसको क्रश करना, फिर वो एक बनाना लीफ के अंदर फिश डालना जो नदी से पिक की है, फिर वो जिंजर गार्लिक डालना और उसको उस बॉनफायर के ऊपर रैप कर देना, फिर वो खुद ही कुक करेगी इन द स्टीम. सो इट वाज वेरी लाइक लवली टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दैट. मैंने तो इतनी फिश खाई. इस आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग ही हो गई. Haan, I think all of those things which I was not expecting. And I was like, life takes such an unusual turn. You don't know what to expect. Because in my head, I never thought ever. Everybody is like, Madhya ko chunke India mein shaadi karni thi. Maine kaha, maine nahi chuna. Don't please blame me. It's Allah's doing. He has planned this for me. So, I mean, you are not planning. There's so much that is beyond your control. Who knew where... True. What will go and it's lovely and it's interesting and I think we should. So, were there any myths or anything, any preconceived notions you had about India or that area or generally, and then when you went, wo bilkul khatam ho gayi and aapka view change ho gaya? Nahin, so I think I'm like a true believer in peace of all kinds, like in terms of work, in terms of personal space. Ki aap jahan bhi jaye, jidhar bhi jaye, you live and you let live. And you live and you let live peacefully. So I have worked in India before. That was tremendously amazing. My director was great to work with. Producer ne bahut khayal rakha tha aur bahut acha process tha kaam karne ka, to mujhe bahut maza aaya tha. But personally jab main ja rahi thi to mujhe tha dimag mein ki kya hoga, kaisa hoga, whatever. But I was so warmly welcomed and again by the entire community that I have never seen in my life. Again main bahut isolated andaaz mein rehti hu. Hum Karachi mein kaise rehte hain ki agle बिल्डिंग में, अगली बिल्डिंग नहीं, अगले अपार्टमेंट में कौन है, हम इतना इंटरेक्ट नहीं करते अनलेस वी वांट टू, अनलेस वी वांट टू. कुछ लोग करते हैं, यहाँ पे बिग बिग फैमिलीज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है. मैं नहीं करती और मैं पसंद भी नहीं करती. मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे मैं कोई अब तारीफ या बुराई में बोल रही हूँ, प्रेफरेंसेज है ना. मुझे बहुत कम बात करना पसंद है, कमरे में अलग, लाइक यू नो डोंट वॉन्ट टॉक, डोंट लाइक बिग गैदरिंग्स. But that was so refreshing and I accepted it for what it is. I adapted to it and it was incredible. Itni warmth, seriously, I've never felt. Because wo itne log ek saath aapko itni mohabbat de rahe hain, you're like, oh my god, I just have to be very grateful for this. Wo sab pehchante honge aapko wahan pe na, kya aapko unko tha ki ye selfies aur wo sab. I think ye mohabbat wali baat hai ki unko tha ki hamara jo ladka hai na wo ek actor ko le aaya hai. Yes. To hame kaam dekhna hai, fir unhone kaam dekhna shuru kiya and I was I had film for mujhe qubool nahi hai. To uske andar Sami Khan ke character ka naam tha Salman. To sab bolte the ki Salman ko to joote padne chahiye aur ye hona chahiye aur naam le le ke na, because they were so involved, because unke घर की बहू ये वाला प्रोजेक्ट कर रही है. सो आई थिंक जस्ट लाइक वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी हम्बल्ड एंड माई एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट एंड ऑफ कोर्स इट्स लाइक नाउ फैमिली. सो इट्स लाइक आई एम, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि यहाँ की बेटी वहाँ की बहू. बट ये बताएं कि उन उधर जब आप गई तो इसी तरह उनके भी कुछ हो सकते हैं नोशंस अबाउट पाकिस्तान, कुछ सुनने को मिला. अच्छा, हम तो ये समझते थे लेकिन अब आपको देख के पता चला ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसी चीज़. आई थिंक दे वर एक्सपेक्टिंग अ वेरी positive behavior from me. Mm-hmm. Expect bhi positive hi kar rahe the. Lekin more than Pakistani, they were expecting something in terms of an actor. Ke heroine hai na, to attitude ho sakta hai. Haan, because wahan pe bhi to Bollywood ka bahut, wahan pe to bahut culture hai. Hum logon se bahut zyada ke bilkul har ke gharon mein basa hua hai Bollywood. To I was like do teen meri wahan pe jo aunties kehlayengi, unhone bola ki to bilkul modest hai, sada si hai. That is when I realized ki inke dimag mein shayad chal raha hoga.